दोस्तों एक इमेज है मेरे पास, आप देखेंगे यहाँ पे, और इसमें जो बैकग्राउंड है वो घास वाली है, जो कि सूखी घास है। हम फोटोशॉप 7.0 में बहुत ही आसानी से हरा भरा घास तैयार कर सकते हैं, जैसे मैंने ये करके दिखाई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो किस तरह से करेंगे, चलिए आज की वीडियो में यही सीखते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें अपनी फोटो को ओपन करना है। आप देखिए मेरे पास ये एक इमेज है जिसमें सूखी घास दिखाई दे रही है इसमें, ये तो हम इसको बहुत ही आसानी से हरा भरा कर सकते हैं। उसके लिए पहले एक कॉपी करेंगे इमेज की, यहाँ से माउस से पकड़ के और यहाँ पे लाके छोड़ देना, एक कॉपी हो जाएगी। और यहाँ एडजस्टमेंट लेयर पे आके यहाँ से हमें सिलेक्टिव कलर पे आना है, सिलेक्टिव कलर को सेलेक्ट करना है और रेड कलर सेलेक्ट करके यहाँ से सियान की हम ओपेसिटी 40 रखेंगे, सियान को हम 40% बढ़ा के रखेंगे और मैगनाट को -40 करेंगे और येलो को हमें 40% बढ़ाएंगे, ब्लैक को 20%। इसके बाद यहाँ से येलो कलर सेलेक्ट करके और इसके कलर यहाँ पे 40% इसके ही बढ़ा देने हैं और मैगनाट को यहाँ पे 20% माइनस करना है और यहाँ से ब्लू कलर लेके ब्लू के यहाँ से सैन को 100 कर देना है। और अब यहाँ पे नेचुरल कलर सेलेक्ट करके यहाँ से सियान का कलर बढ़ाएंगे इस तरह से और मजेंटा को यहाँ पे इस तरफ करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे इस तरफ हमारी हरियाली ज़्यादा हो चुकी है, इस तरह से हम सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे ओके कर देंगे। अब हमें ब्रश टूल लेके और यहाँ से ब्रश को सॉफ्ट रखेंगे, ब्रश को सॉफ्ट रखना है, ओपेसिटी और फ्लो को फुल कर देना है, ब्लैक कलर ऊपर रखेंगे, वाइट नीचे, और जो हमारा इसमें ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ से उस पर इस तरह से पेंट करेंगे जिससे कि जो बैकग्राउंड में कलर आया था वो यहाँ से इस प्रकार से रिमूव हो जाए। तो इस तरह से हमें पेंट कर लेना है जिससे कि ये कलर रिमूव हो जाए इस प्रकार से। तो दोस्तों इस प्रकार से फोटोशॉप 7.0 में सूखी घास को हरा भरा कर सकते हैं। आप देखेंगे पहले वाली इमेज ये है और आप देखेंगे पहले वाली इमेज ये है और अभी की इमेज ये वाली है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस इमेज में सूखी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से हमें सूखी घास को हरा भरा बना सकते हैं फोटोशॉप 7.0 में। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।